उनके जन्म से 3 महीने पहले पिता की मृत्यु हो गई। जब वह 15 वर्ष के हुए तो उनकी माँ ने उनकी पढ़ाई छुड़वाकर उन्हें खेतों में काम करने को कहा। जन्म से ही दुर्भाग्यशाली उस बच्चे को जीवन में हर क्षेत्र में असफलता का सामना करना पड़ा। जब वे 7वीं कक्षा में थे तो उन्हें पढ़ाई छोड़नी पड़ी। अपने जीवन की शुरुआत बहुत संघर्ष के साथ किया। कभी स्टीम बोर्ड में नौकरी की तो कभी इंश्योरेंस में सेल्समैन का काम किया तो कभी रेलरोड में फायरमैन का काम किया। इनका जन्म एक गरीब परिवार में हुआ था। जब वे 4 वर्ष की थी उन्हें पोलियो हो गया। डॉक्टर ने उनके पैरों में ब्रेस पहना दिया और कहा कि अब वे कभी अपने पैरों पर नहीं चल सकती। इनका 11 अप्रैल 2011 को ट्रेन में दुर्घटना हो गया। कुछ सातिर चोरों ने उनके गले से चैन छीनने का प्रयास किया। तब इन्होंने उसका विरोध किया तो उन चोरों ने चलती ट्रेन से बाहर फेंक दिया, जिसकी वजह से उनका बायां पैर कट गया। ये बचपन में मंदबुद्धि थे। अपनी मंदबुद्धि होने के कारण उन्होंने अपने गुरु से पूछा, श्रीमान मैं अपनी बुद्धि का विकास कैसे करूं? अध्यापक ने कहा, अभ्यास ही सफलता का मूल मंत्र है। इनका जन्म एक गरीब किसान परिवार में हुआ था। गरीबी के बावजूद उनके पिता ने उनकी इच्छा अनुसार इंजीनियरिंग में प्रवेश दिलाया। अधिकांश लोगों ने उन पर उंगली उठाई पर उन्होंने इन बातों पर ध्यान नहीं दिया। 1996 में पूरे एशिया में प्रथम महिला रेल ड्राइवर बनी और लोगों के इस भ्रम को तोड़ दिया कि महिला रेलगाड़ी नहीं चला सकती। इनका जन्म एक ग्रामीण कस्बे में हुआ। 19 माह की उम्र में गंभीर बीमारी के कारण इनकी सुनने और देखने की शक्ति चली गई। दोहरी विकलांगता के बावजूद इन्होंने दुनिया को न केवल नई दिशा दी बल्कि उन्होंने विश्व के विकलांग लोगों को सम्मान देना सिखाया। इनका जन्म एक गरीब परिवार में हुआ। गरीबी के कारण कम उम्र में इनकी शादी करवा दी गई। पति की भी असमय मृत्यु हो गई। इन्होंने अपने पालन पोषण के लिए रेलवे स्टेशन में गाना गाकर भीख मांगना शुरू किया। जिन लोगों को लगता है किस्मत, भाग्य, भगवान जैसी चीज नहीं होती, उनके लिए ये बहुत बड़ी उदाहरण है। जो लोग अपने लक्ष्य में असफल होते हैं और थक हार कर बैठ जाते हैं, उनके लिए बहुत अच्छी उदाहरण है। जो लोग सपने देख देख कर थक गए हैं, कितने लोगों ने अपने सपने को आधे में छोड़ दिया तो कितनों ने सपना देखना ही छोड़ दिया ये सोचकर हमसे नहीं हो पाएगा, ये उन लोगों के लिए बहुत अच्छी उदाहरण है। किसी ने बड़ी कमाल की बात कही है, जब समय बदलता है तो कोई फकीर तो कोई बादशाह बन जाता है।